आज हम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं वाइन बार का लोगो। वाइन बार का नाम है रोमांटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक लिफ्ट टूल लेते हैं और सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें वाइन का ग्लास बनाना है। फिर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, सर्कल के सेंटर तक, और फिर दोनों को सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल अलाइन कर देते हैं। अब हम सिलेक्शन टूल लेते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं, इस नोड पे, और इस नोड पे क्लिक करके हम इसको सर्कल से मिला देते हैं। यही इधर भी करते हैं कि इसको शिफ्ट प्रेस करके सर्कल से मिला देते हैं। वाइन ग्लास जो होता है ना, उस टाइप से हमें एक शेप मिल जाता है। तो चलिए हम इन दोनों को शेप में कर लेते हैं। ये हमारा शेप बिल्डर टूल है। शेप बिल्डर टूल से ही मोस्टली मैं बनाता हूँ शेप। तो सेट कर लेते हैं इसको। ये थोड़ा सा बचा है, इसको भी ले लेते हैं, और ये पूरा हम क्रिएट कर सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके नीचे की तरफ करते हैं। पेन टूल लेंगे, पेन टूल पी प्रेस करेंगे, आ जाएगा। एक्चुअली हमें ये जो कोना है, और यहाँ पे हमें राउंड से देना है, कुछ गुलाब की जो पंखुड़ी होते हैं इस टाइप से ही होते हैं। या एस्केप प्रेस करते हैं तो ये गायब हो जाता है। हमें जब एस्केप प्रेस करेंगे तो गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं, इसको हम इधर से मिला देते हैं ऐसे। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, फिर एस्केप कर देते हैं। ये हमारा, अब हमें इसको शेप देना है। इस वाली लाइन को सिलेक्ट करते हैं, जो कि अभी जो है यहाँ पे पॉइंट नहीं बन पा रहा, तो पॉइंट बनाते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं। इसको थोड़ा सा लीफ, रोज लीफ टाइप से बनाते हैं। ये रोज लीफ हमारे इसी टाइप से होते हैं। ये तो हमारा बन जाता है कुछ रोज टाइप से। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे पी प्रेस करेंगे। पी प्रेस करने से पेन टूल आ जाता है। इस नोट पे क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देंगे। फिर एस्केप प्रेस करेंगे, इसी टाइप से पी प्रेस करेंगे, और हम इसको भी थोड़ा सा बाहर टाइप से बाहर निकाल देंगे, और फिर एस्केप प्रेस कर देंगे। अभी हम इसको स्ट्रोक, ये लाइंस हैं, और इसको स्ट्रोक थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। ओके, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर देते हैं। स्ट्रोक फिल दोनों रखते हैं, ओके कर देते हैं। अब तीनों को सिलेक्ट, सारा सेलेक्ट करते हैं, और हम शेप बनाते हैं शेप बिल्डर टूल से। अब ये शेप ब्लैक लाइन को पूरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, बाहर का भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये पूरा सेलेक्ट है, अब बाहर का भी कर लेते हैं। तो हमारा शेप बन जाता है कुछ
इसको डिलीट कर देंगे इस टाइप से। अब ये यहाँ पे सेप बहुत अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, तो हमें ये सेप अब बनाना पड़ेगा थोड़ा अच्छा तरीके से। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये सेप और यहाँ पे इसके नोट्स देख लेते हैं, फिर हम ज़रा सेप बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम और अच्छे से सेप बना सकते हैं। प्रेस पी करते हैं और यहाँ पे प्लस प्रेस करते हैं, ऐड एंकर टूल लेते हैं। ऐड एंकर टूल से हम यहाँ पे दो नोट्स बना लेते हैं, एक इस साइड एक दूसरी साइड। अब हम माइनस करते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं। अब हमारा सेप थोड़ा वाइन टाइप से और कर्वी कर्वी टाइप से लगने लगता है। फिर अब हमें क्या करना है, वाइन ग्लास, ये तो वाइन ग्लास के ऊपर का बन गया। अब हमें एक उसके नीचे का स्टैंड जो होता है वो बनाना है, हालांकि वो इतना मोटा नहीं होता है, थोड़ा और पतला होता है, तो हम थोड़ा सा कम करेंगे और पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे इसको। अब हमें सेंटर में लाना है इसको, तो हॉरिजॉन्टल सेंटर कर देंगे। अभी हमें नीचे का सेप बनाना है, क्योंकि ये हम ग्राफिक्स बना रहे हैं तो हमें थोड़ा ग्राफिक टाइप से ट्रीट करना पड़ेगा। तो अभी क्या है, हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, क्योंकि ये हमें सेप देना है कुछ इस टाइप से। और फिर हम एक सर्कल लेते हैं और हम अपना सेप निकालते हैं इस टाइप से। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सेप बिल्डर टूल से हम ये वाला हमें सेप मिल जाता है। अब ये सेप मिलने के बाद हमें ये थोड़ा सा कर्वी चाहिए, तो हम एक और इसमें सर्कल ले लेते हैं। सर्कल याद रहे, ये जो ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन के अंदर जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये एक दूसरे से मिलनी चाहिए, तभी वो हमारा सेप बिल्डर टूल काम कर पाता है। अगर ये मिलेगा नहीं तो हमारा सेप काम नहीं करेगा, सेप नहीं बन पाएगा, सेप बिल्डर टूल अच्छे से काम नहीं करेगा। फिर ये कर लेते हैं। अब हमें इस पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, साइड में करते हैं, ये अननेसेसरी पार्ट है, डिलीट कर देते हैं इसको। सेम इसको यहाँ पे लगाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करते हैं, फ्रंट में ही पेस्ट हो जाता है। सेलेक्ट राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कॉपी कर देते हैं। अब ये हमारा सेप कुछ इस टाइप से बन जाता है। हम इनको ये सेप हम थोड़ा बाहर निकाल कर रख लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे भी बनाना है। सेप मोड्स में जाके कंपाउंड सेप कर देते हैं, हमारा ये सेप पूरा एक हो जाता है। अभी हमें नीचे भी कुछ इसी टाइप से बनाना है, तो नीचे भी हम रिफ्लेक्ट करेंगे, एक्चुअली इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे। अब इसको हमें
रिफ्लेक्ट करना है तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब ये हमारा शेप बन गया कुछ इस टाइप से। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं इतना, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसके नोट्स सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं इस टाइप से, और इसको सेव देना पड़ेगा। बाहर क्लिक करके इसको सेव देते हैं, जैसे नीचे वाइन का होता है, वाइन ग्लास का कुछ इस टाइप से बड़ा सा सेव। कुछ इस टाइप से, क्योंकि ऊपर वाले सेप से ये नीचे का सेप बड़ा रहे, ऊपर का सेप थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। और फिर इसको रोटेट कर देते हैं, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट कर देते हैं और कॉपी कर देते हैं, और ये हमारा हो जाता है वाइन का जो नीचे का ग्लास होता है, क्योंकि नीचे से बड़ा होता है वो। और हम इसको कंपाउंड शेप कर देते हैं, अभी हमें इसको राउंड शेप में करना है, तो हम एक राउंड लेते हैं, या फिर हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और एक शेप तैयार कर देते हैं, फिर इसको डिलीट कर देते हैं। को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्योंकि हमें शेप में बनाना है, और इस टाइप से हमारा वाइन का ग्लास तैयार हो जाता है। नीचे भी थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा, इस टाइप से हमारा वाइन का ग्लास तैयार हो जाता है। अब हम इसमें, चूँकि हमें चाहिए प्योर वाइन या फिर एकदम रियल वाइन या फिर एकदम फ्रेश वाइन, तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, इसको सेंटर तक लेके जाते हैं इसके गोले को, या फिर इस लाइन पे इसका सेंटर कर देते हैं, और हम इसमें एक लीफ टाइप से दोनों को सेलेक्ट करते हैं, और इसमें एक लीफ टाइप का क्रिएट कर लेते हैं शेप, जो कि इस टाइप से होगा, और हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। अब पेन टूल से पी प्रेस करेंगे, पेन टूल आएगा, लीफ के जो अंदर का होता है उसको बना लेते हैं। और इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इसके बाद हम कलर फिल करते हैं। कैसे करेंगे, इसमें रेड कर देते हैं, एक्चुअली सारा ही रेड है, तो हम सबको अनग्रुप कर देते हैं पहले, और इसमें रेड भरते हैं, फिल करते हैं। क्योंकि वाइन का कलर थोड़ा डार्क होता है, इसलिए हम थोड़ा डार्क ही रखेंगे,
सब में यही रखेंगे, आई प्रेस करेंगे, आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा और सब में रेड कलर फिल हो जाएगा। इसको अब हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं नीचे, तो जाते हैं ग्रेडियंट में। ग्रेडियंट में कलर रेड चेंज चूज करते हैं, क्योंकि हमको चाहिए डार्क रेड, तो हम डार्क रेड और हमें सब इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर फिल कर देते हैं, क्योंकि एकदम फ्रेश वाइन मिलती है वहाँ पे, तो हमें डार्क ग्रीन कलर फिल कर देते हैं। हम कलर देख लेते हैं कौन सा फॉन्ट सही लगेगा। रोमांटिक वाइन बार, वाइन बार को हम ग्रीन कर देते हैं। तो इस टाइप से हमारा रोमांटिक माइंड बार का लोगो बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।